हेलो एवरीवन, क्या होगा अगर आप अपने बंटी की घंटी ना बजाए। इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू टीच यू द बेनिफिट्स ऑफ नो फैप इन योर लाइफ, सो कीप वॉचिंग। सो बेसिकली सब हमारी लाइफ में आजकल चीजें बहुत इजी होती जा रही है। खाना खाना है आपको तो घर पे बैठे बैठे जोमेटो स्विगी वगैरह से ऑर्डर करो और घर पे खाना आ जाता है आपके डोर स्टेप पे। ना आपको पाँव बाहर रखने की जरूरत है, ना सब्जियां लाने की जरूरत है, ना खुद कुक करने की जरूरत है, बस बैठे रहो, बटन दबाओ और खाना हाजिर। यही आज के लाइफ की पूरे जनरेशन की माँ बहन करके बैठे। यही सब चीजों की वजह से आज की लाइफ में कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। सब वही कॉमन मैन बन के बैठ गए, किसी को कुछ आगे उसके आगे दिखता ही नहीं। ये चीजें हर एक चीज में हो गया कि आज के दिन में बस एक फोन खोलो, वीपीएन ऑन करो, फोन देखो, हो गया काम, तथास्तु तथास्तु। तो ये सब चीजें होने की वजह से आज के दिन में लड़के इतने थकेले हो गए कि वो लोग को कुछ आइडिया ही नहीं है कि लड़की से कैसे बात करते हैं या कुछ भी लड़की को कैसे डेट पे लेके जाके कैसे ट्रीट करते हैं, कुछ भी नहीं, जस्ट फकिंग नथिंग। सो ये चीज की वजह से लड़कियां ऑलरेडी एकदम फेड अप हो चुकी है, उनको कोई ढंग के लड़के नहीं मिलते, इसलिए उनको जो सामने आता है, जो प्रपोज करता है, जो डेट के लिए पूछता है, सब उनको चला लेते हैं, सब चीजों के लिए वो हाँ बोल देते हैं। सो अब इन थकेले लड़कों का करेंगे क्या, फोन में देखते देखते बस चालू ही रहेगा उनका, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या लाएंगे। सबसे पहले अपनी बंटी की घंटी बजाना बंद कर दो, ये सबसे खराब बात है। अगर आप वो चीज बंद कर देते हो तो वो आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बहुत खतरनाक इम्पैक्ट डालता है। अगर आप 1 वीक तक आप वो चीज बंद कर देते हो तो आपके बॉडी के अंदर 40% टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं। सो टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? टेस्टोस्टेरोन आपके मेल के जो बॉडी का जो मेन चीज होता है, जिससे आपके बियर्ड ग्रोथ होता है, मसल ग्रोथ होता है, फैट लॉस होता है, आपके फेस पे ग्लो आता है, आपके दिमाग में एकदम एनर्जी, कॉन्फिडेंस, जो भी सब आपके लाइफ में जो आपको करना है काम, वो सब चीजें वो टेस्टोस्टेरोन ही लाता है। तो वो चीज आपके लाइफ की सबसे मेन बिल्डिंग पॉइंट है। सो वो चीज आप अब खुद ही अपने हाथ से वेस्ट कर रहे हो, तो अपने हाथ को थोड़े दिन आराम दो और कुछ दिमाग लगा के काम करो। सबसे पहले तो आप ये जैसे ही बंद करोगे ना, तो आपके 1 वीक के अंदर देखना आपके बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आएंगे ना कि आपका एकदम दिमाग फास्ट चलने लगेगा, मैथमेटिक्स हर एक चीज के अंदर आपका दिमाग ज्यादा चलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा और सब जगह पर भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा। बट वो चीजों में भी थोड़ा ध्यान रख के थोड़ा काम भी कर लोगे तो काम में भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके चेंज आएगा। जैसे जैसे आप ये करते जाओगे तो वो एक टाइम आएगा कि वो एनर्जी लेवल्स धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। तो नॉट ओनली इन केस ऑफ गर्ल्स, लेकिन आपके लाइफ में जो डेली आप जिनसे बात करते हो, जो आपके बॉस है, आपके फ्रेंड्स है, जो भी है, 110% उसमें बहुत चेंज आ जाता है बात करने में। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो उनके साथ बात करने में कि वो लोग को कुछ आपके फेस पे चेंज करता है, आपके फेस पे एकदम खतरनाक ग्लो आ जाता है, लोगों को वो क्लियरली दिखाई देता है कि यू आर रियली एक्टिव। तो वो चीज आप कभी भी एक ध्यान देना कि अगर आप नींद में से उठ के आते हो और उस दिन नहाया नहीं होता है तो आपका फेस देखा है कभी कैसा लगता है? फेस एकदम गिरा हुआ, पूरा दिन मुरझाया हुआ, ऐसा मुरझाया हुआ फूल जैसा लगता है। तो यस, ये भी वही चीज होता है। जैसे ही आपका कार्यक्रम पूरा करते हो तो आपका फेस एकदम डल हो जाता है, आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है। आपके दिमाग को है ना वो डोपमीन जो छूटता है उससे, डोपमीन एक ऐसा केमिकल है ना जो आपके दिमाग को एकदम प्लेजर देता है। तो घर पे बैठे बैठे खाली प्लेजर मत देते रहो, जो आपको वो चीज पाने के लिए आपको उठना पड़े और आपको बाहर जाना पड़े, लड़कियों से मिलना पड़े, तो वो चीज आप फ्री में घर पे बैठे बैठे पा रहे हो तो आपकी बॉडी को कैसा रिएक्ट करेगा, आपके बॉडी को रिएक्शन कैसा होगा वो सोचिए। आपकी बॉडी सोच रही है कि या हमको फ्री में जो इतना मेहनत करके मिल रहा है वो हमको फ्री में बैठे बैठे ही मिल रहा है, तो हम क्यों मेहनत करें, क्यों बॉडी बिल्डअप करें, क्यों एब्स बनाएं, क्यों जिम जाऊं मैं, क्या जरूरत है यहाँ पे? तो मेरे दिमाग को तो यही पता है कि मैं तो सबसे बड़ा स्टड हूँ, लेकिन सामने आपको अगर दिमाग आपका बाहर निकल के अगर आपको फेस आके देखे तो बोले ये चुकी है क्या तू, तो कैसा लग रहा है? तो यही चीज के लिए आपको वो सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको आपकी लाइफ बनानी हो तो वो चीज के अंदर आपको स्टेप करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप दैट। जो जिसने ये नो फैप का जर्नी स्टार्ट किया था, जिसने क्रिएट किया है, वो इंसान डेली का 10 टाइम्स करता था,
या सीरियसली 10 times मास्टरबेट करता था। आप खुद देखेंगे कि आपके लाइफ में भी कितना चेंजेस आ रहा है, आपके लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे ना, आप खुद शॉक हो जाएंगे कि ये छोटी सी चीज चेंज करने से मेरे लाइफ में कितना डिफरेंस आएगा। जो चीजें आप करने से डरते होंगे ना, जो आपके फियर्स होंगे कि आप थोड़े शाय होगे, इंट्रोवर्ट होगे, लेकिन जैसे ये चीज आएगी ना, आप खतरनाक एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे और ऐसी ऐसी चीजें करोगे ना जो आपने लाइफ में सोचे भी नहीं होगी कि मैं करूंगा। लेकिन टू गेट समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग, यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग। सो ये सब चीजें पाने के लिए आपको अपना प्लेजर छोड़ना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, रियल लाइफ के अंदर आपको उतरना पड़ेगा। गो अप्रोच गर्ल्स एंड वो अनकंफर्टेबल जोन में जाओ, तो आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में कैसे होता है। और जैसे ही आप जाएंगे ना, तो सीरियसली आप खुद देखेंगे कि आपसे लड़कियां खुद अट्रैक्ट होगी। आपके फेस पे जो वो ग्लो होगा ना, वो जो आई कॉन्टेक्ट होगा लोगों के साथ, वो आप खुद देखेंगे। मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, ये आप खुद करके देखिए और आपको खुद ये फील होगा। आप जैसे जाएंगे ना, तो यू विल फील दैट आई एम द बेस्ट एंड मुझसे अच्छा कोई लड़का है ही नहीं। सबसे बेस्ट चीज, अगर आप ये पॉर्न और ये सब देखना बंद कर देते हैं, तो सबसे बेस्ट जो डिफरेंस आपके लाइफ में आएगा वो क्या होगा? यू विल डेवलप रिस्पेक्ट फॉर विमेन। हर एक लड़की के लिए ना आपके अंदर एक रिस्पेक्ट जागेगी, क्योंकि पॉर्न में आप देखते हो कि वो लोग को तो सिर्फ ऐसा ही बना दिया है कि बस वो लोग वही चीज़ करने के लिए है, बैंग 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 बैंग, वो सब चीज़ें के लिए ही आपके दिमाग में इतना कचरा भर जाएगा। जो छोटे लोग हैं वो लोग तो दिमाग से पागल हो जाएंगे कि बस कोई भी लड़की के पास जाओ तो वो लोग तो यही सोचेंगे कि बस यही करने के लिए लड़कियाँ बनी और कुछ है ही नहीं। बट जैसे ही आप ये चीज़ से बाहर आओगे ना, ये चीज़ छोड़ोगे, इसको बंद करोगे, तो आपको सीरियसली फील होगा कि लड़की से कैसे बात करते हैं। उनके माइंड को जानोगे तुम, उनके नेचुरल जो वो लोग का दिमाग है, जो वो लोग कैसे इतने एकदम खतरनाक क्रिएचर्स है, उनको समझना कितना हार्ड है लाइफ के अंदर, वो सब आप सीरियसली जानोगे, ना कि बस उन्हें वही एक बॉडी देख के बस जो वो चीज़ें कर रहे हैं वही आप सोचोगे। तो ये चीज से निकलो बाहर, देखो आपके लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। आपके सीरियसली बता रहा हूं, इससे बेटर चेंज आपके लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता। इससे बेटर चेंज अगर आपको कोई लाना हो ना, कोई पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट ये छोटी सी चीज आप चेंज करो, पता है मुझे कि बहुत अनकंफर्टेबल होगा एंड बहुत बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। हर बार आपके दिमाग में यही चीज़ आएगी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी बोल रहा है ये। बट सीरियसली डूड, ट्राई करो, आपके बॉडी के अंदर चेंजेस देखना, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर चेंजेस देखना, कैसे पूरा आप फट के बाहर आओगे और सामने वाले की ऐसी मार लोगे ना। अगर तुम्हारे साथ कोई एकदम फालतूगिरी कर रहा है ना, तो फिर तुम लोग कभी भी अगर कोई इंसान से डरते होगे ना, कोई भी बात करने के लिए या कुछ भी झगड़ा करने के लिए, अगर वो आपसे आपके साथ गलत कर रहा है, तो आपको उसको बोलना है कि ये चीज़ मत कर मेरे साथ, आप वो टाइम पे नहीं बोल पाओगे। लेकिन जैसे ही आप ये चेंज अपनी लाइफ में लाओगे ना, चुटकियों में सबकी लगा दोगे तुम। सो कीप वॉचिंग, हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू वॉन्ट मोर ऑफ दीज। एंड आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर कीजिए, आपके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे बताइए, मैं सीरियसली आपकी बहुत हेल्प करूँगा एंड आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपने लाइफ में कभी सोची भी नहीं।